नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अश्वनी, और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सरला ठकुराल के बारे में। अब दोस्तों आप कहेंगे ये कौन है, तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप में से सभी लोगों को ज़्यादातर पता होगा कि ये फर्स्ट महिला पायलट हैं हमारे देश की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि गूगल ने यहाँ पर सेलिब्रेट करा है गूगल डूडल के ज़रिए। अब दोस्तों गूगल डूडल क्या है, ये बहुत सारे देशों के बहुत सारी यूनिक चीज़ों को और यूनिक लोगों को रिप्रेजेंट करता है अपने फर्स्ट पेज पे। जैसे आपने देखा होगा यहाँ, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए जैसे यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है इसने ये सरला ठकराल को विकिपीडिया के ज़रिए और अपने गूगल होम पेज पे। तो दोस्तों जो सरला ठकराल हैं ये क्या हैं, इंडियन एयरक्राफ्ट पायलट हैं, रह चुकी हैं। और आप देख सकते हैं सरला ठकराल वॉज द फर्स्ट इंडियन वूमेन टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट, जिन्होंने फर्स्ट टाइम एयरक्राफ्ट उड़ाया था। और इनका जन्म 1914 में हुआ था 8 अगस्त को, और ये इनका जन्म न्यू दिल्ली में ही हुआ था। शी अर्न एन एविएशन पायलट लाइसेंस। दोस्तों आप कहोगे एविएशन पायलट लाइसेंस क्या होता है, दोस्तों सिंपल है कि इसमें एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाला भी आता है और साथ में कुछ क्रू वगैरह रहते हैं जो एरोप्लेन को नेविगेट करते हैं, उन्हें एविएशन पायलट लाइसेंसर भी बोला जाता है। तो दोस्तों अब एंड फ्लू आ जिप्सी मोथ सोलो, यानी जो छोटे टाइप के एयरक्राफ्ट थे पहले के टाइम पे, यानी जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तब से। तो दोस्तों इनके करीब 21 साल में इन्होंने ये लाइसेंस हासिल कर लिया था, और इनका जो मृत्यु थी इनकी वो करीब 2008 में हुई थी, 15 मार्च 2008 में। तो दोस्तों आज यानी 8 अगस्त को इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया है गूगल ने भी, और बाकी देशवासियों ने भी किया है, कई जगह सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों ने अपलोड किया है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये इनकी फ़ोटो है, काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हैं इनकी, ये देखिए ये करीब 100 साल के आसपास जीवित रही। और दोस्तों इनके बारे में एक ख़ास बात बताता हूँ मैं आपको। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो इनके हस्बैंड थे पीडी शर्मा, ये भी एक पायलट थे, इंडिया के फर्स्ट पायलट थे ये भी। और जब इनका मतलब ये किसी दुर्घटना में इनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद ये जब आज़ाद नहीं हुआ था हमारा देश, उसके बाद फिर ये दिल्ली आ गई थी। दिल्ली में इन्होंने ठकुराल हैं बिजनेसमैन थे वो, और फिर उनसे इन्होंने शादी कर ली। और इनकी करीब फर्स्ट जो पहली शादी थी इनकी वो 16 साल की उम्र में हुई थी, और उसके बाद इनके दो बच्चे भी थे। और फिर इन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट में, यानी जिसे बोलते हैं ललित कला, उसमें इन्होंने अपना हाथ आजमाया, और इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें करी। मोयो स्कूल ऑफ आर्ट इन्होंने ज्वाइन कर रखा था, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये सारी चीज़ें इन्होंने ज्वाइन करी थी। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।